Now next data type is character in Java. कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में कई सारे न्यू प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करेंगे. सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू रिक्वायर्ड साइज फॉर अ कैरेक्टर डेटा टाइप्स. उसके अलावा जस्ट डिस्कस करेंगे जावा के केस में कैरेक्टर का साइज जस्ट इंक्रीज करने की नीड क्यों हुई, क्योंकि आपने देखा सी और सी प्लस प्लस के केस में कैरेक्टर का साइज क्या था, ओनली 1 bytes, जबकि जावा के केस में कैरेक्टर का साइज क्या है, 2 bytes. क्लियर. सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल केस में अगर डिस्कशन करें, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी वैल्यू और इन्फॉर्मेशन जब वेरिएबल्स के फॉर्म में असाइन करते हो, सम वेरिएबल एक्स मैंने असाइन किया एज अ 5, तो आपको पता होना चाहिए मीन्स वेरिएबल क्या है. वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस, मीन्स इस टाइप से आपके पास कुछ बाइट्स अवेलेबल होंगे, इन बाइट्स को लॉजिकली नेम क्या असाइन हो जाएगा, समथिंग एक्स. लेकिन एक्स के अंदर जब डेटा मेमोरी लेवल पर असाइन होगा तो मेमोरी लेवल पर डेटा ये 5 डायरेक्टली स्टोर होगा और बाइनरी बिट्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट्स. बाइनरी बिट्स मीन्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ 1 और 0. जब इस 5 को असाइन करो तो 5 के रिस्पेक्ट में स्टोर क्या होगा, 101. रिमेनिंग प्लेसेस पर असाइन किया जाए समथिंग 00. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर केस. सेम एज इन केस ऑफ डेसिमल फ्लोट और डबल. फ्लोट और डबल के केस में डेटा किस फॉर्मेट में असाइन होगा, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्मेट. सेम एज मीन्स फाइनली कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मेमोरी के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन ओनली 1 और 0 के फॉर्म में असाइन करना पॉसिबल, नथिंग एल्स. लेकिन कैरेक्टर्स के केस में आपने देखा, सपोज दैट अगर आपके पास कोई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल अवेलेबल है लाइक अ कैर सी एच, देन इस केस में मैंने असाइन किया सम कैरेक्टर एस ए. अभी मैं सी लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, नॉट अ जावा. सपोज दैट सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कैरेक्टर का साइज क्या हुआ, 1 byte, और वी कैन से 8 bits. सबसे पहले मैं इस केस में डिस्कस कर रहा हूँ सभी कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में ऑलवेज एसोसिएट क्या होता है, ASCII वैल्यू. तो ASCII वैल्यू को इंट्रोड्यूस करने की नीड क्यों हुई, इस केस में सिंपली मेमोरी के अंदर एक सिंगल बाइट एलोकेट होगा, सिंगल बाइट लोकेशन को लॉजिकल नेम असाइन हो जाएगा एज अ सी एच. अब प्रीवियस केस में जब एक्स क्रिएट हुआ था तो एक्स केस में वैल्यू किस फॉर्म में असाइन हुआ, बाइनरी फॉर्मेट. तो सिमिलरली सी एच के अंदर भी इन्फॉर्मेशन है मेमोरी किस फॉर्म में डिवाइड, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. बिट्स तो अगेन डेटा किस फॉर्म में स्टोर करने नीड होगी, इन द फॉर्म ऑफ 1 और 0. 5 के केस में आपके लिए बाइनरी नंबर 2 से डिवाइड करके कैलकुलेट करना पॉसिबल था, लेकिन इस केस में क्या असाइन कर रहे हैं, कैरेक्टर और वी कैन से सिंबल. तो सिंबल्स को कभी भी डायरेक्टली बाइनरी नंबर में 2 से डिवाइड करके कन्वर्ट करना पॉसिबल क्या, नॉट पॉसिबल. देन हाउ टू स्टोर कैरेक्टर्स इन साइड मेमोरी, मीन्स यहाँ रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैरेक्टर्स को मेमोरी में किस टाइप से स्टोर करोगे. मीन्स इस केस में ए का बाइनरी नंबर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में आपको ऑलरेडी पता है ए का ASCII वैल्यू क्या रहता है, 65. 65 का बाइनरी नंबर कैलकुलेट करना पॉसिबल होगा कि नहीं, पॉसिबल. तो इस केस में 65 क्या सी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में इसको नेम देंगे जो ASCII वैल्यू, जावा के रिस्पेक्ट में इसको नेम देंगे जो यूनिकोड वैल्यू. उसका रीजन है बिकॉज सी लैंग्वेज सपोर्ट्स NC कैरेक्टर सेट, जबकि जावा और वी कैन से ASCII कैरेक्टर सेट. और जावा किसको सपोर्ट करता है, यूनिकोड कैरेक्टर सेट. कैरेक्टर सेट से रिलेटेड मैं सेपरेट प्रॉपर्टी जस्ट अभी डिस्कस करूंगा. फाइनली इस केस में अगर 65 का बाइनरी नंबर, मीन से यहाँ आपके पास ए का बाइनरी नंबर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बाइनरी वैल्यू किसका कैलकुलेट होगा, 65 का. 65 का बाइनरी क्या है, 100001. क्लियर. दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 65. देन इस केस में आसान क्या हो जाएगा, 100001 0. द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स कैरेक्टर्स भी मेमोरी के अंदर हमेशा बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, लेकिन ये बाइनरी नंबर डायरेक्टली कैरेक्टर्स के लिए कैलकुलेट नहीं होंगे. बाइनरी नंबर कैलकुलेट किसके लिए हुआ, एक्सपेक्ट एसोसिएटेड ASCII वैल्यू. देन अब कुछ नहीं, किसी भी कैरेक्टर्स को मेमोरी में स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड स्पेस कितना होगा, जैसे सी के केस में स्पेस कितना है, 8 bits और 1 byte. जावा के केस में कैरेक्टर का साइज क्या है, 2 byte और वी कैन से 16 bits. इसे डिफरेंट डिफरेंट साइज लेने की रिक्वायरमेंट क्या हुई, इसे पर्टिकुलर थिंग्स को मैं लो लेवल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग केस होगा आपके लिए. जस्ट सपोज दैट अगर आप खुद का कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, क्लियर, देन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप यूज़ क्या करोगे, सम सिम्बॉल्स. जैसे सी लैंग्वेज के अंदर आपने देखा था वेरिएबल्स में, सी लैंग्वेज में डॉलर यूज करना पॉसिबल है, लेकिन जावा के केस में यूज करना पॉसिबल है. सेम है अगर आप अपना खुद का लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, सकता है उसके अंदर आप एज अ @ भी परमिट करो. तो इस टाइप से पर्टिकुलर किसी भी लैंग्वेज के अंदर सोर्स कोड राइट करने के रिस्पेक्ट में जितने भी सिंबल्स यूज करना पॉसिबल होता है, इन सिंबल्स को नेम दिया जाता है जनरली एज अ कैरेक्टर सेट. कैरेक्टर सेट मीन्स
set of character or set of used characters in a particular programming language. Set of used characters means programming language के अंदर जितने भी characters use करना possible होता है, उन characters के group को completely name देंगे जैसे character set. Similarly, अगर आप खुद का कोई language use करना चाहते हो इस language के अंदर, मैं only permit क्या करना चाहता हूँ, only 4 characters, only A, B, C, D. Just my assumption. अगर मैं अपनी लैंग्वेज में ओनली 4 कैरेक्टर्स यूज करना चाहता हूँ तो इस केस में जब भी कैरेक्टर्स मेमोरी में स्टोर होंगे तो मेमोरी के अंदर ही डायरेक्टली स्टोर होंगे और आस्की वैल्यूज के फॉर्म में, आस्की वैल्यूज के फॉर्म में. तो आस्की वैल्यू ऑलवेज क्या होना चाहिए, कम से कम, क्योंकि सपोज दैट अगर ए के केस में आप आस्की वैल्यू इसको असाइन कराते हो समथिंग 1000, तो ए किस फॉर्म में स्टोर होगा, बाइनरी फॉर्म में. तो 1000 का जो बाइनरी नंबर स्टोर कराओगे, हो सकता है आपको उस केस में समथिंग 10 बिट्स रिक्वायर्ड हो, क्लियर. जबकि बाइनरी नंबर इस केस में आस्की वैल्यू इसको अगर आप स्मॉल आस्की वैल्यू प्रोवाइड करते हो लाइक 0, देन 0 को स्टोर करने के लिए ओनली 1 बिट सफिशियंट है. देन बी के केस में 1, देन आस्की वैल्यू ऑलवेज क्या होना चाहिए, मिनिमम, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए. आस्की वैल्यू ऑलवेज क्या हो, पॉजिटिव नंबर. इस मैंने अपने प्रोग्राम खुद के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए. देन क्वेश्चन है कि इस केस में अगर लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर का साइज क्या होना चाहिए, तो इस केस में जब कैरेक्टर या सिंबल्स को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए आप असाइन क्या कराएंगे, एसोसिएट करेंगे जो आस्की वैल्यू. तो इस केस में ए का आस्की वैल्यू क्या है, 0, बी का आस्की वैल्यू क्या है, 1. जब भी इस केस में वेरिएबल क्रिएट करेंगे लाइक सी एच, और सी एच की केस मैंने असाइन किया समथिंग ए, ओनली ए. ए असाइन किया तो ए के केस में सी एच नाम से जब वेरिएबल क्रिएट हो तो सी एच के अंदर ए किस फॉर्म में असाइन होगा, बाइनरी फॉर्मेट में. और ए का आस्की वैल्यू क्या है इस लैंग्वेज में, 0, तो 0 का बाइनरी नंबर भी क्या होगा, ऑल्सो 0. सेम केस अगर मैं सी एच के अंदर बी असाइन करता हूँ तो बी के रिस्पेक्ट में सी एच में क्या असाइन होगा, बी का आस्की वैल्यू, और बी का आस्की वैल्यू 1 है तो 1 का भी बाइनरी क्या है, ऑल्सो 1. इट सेल्फ क्या है, ऑलरेडी बाइनरी. अगर इस केस में मैं सी एच में सी असाइन करता हूँ, सी का वैल्यू क्या है, 1 0 1 0. सेम है अगर आप डी को असाइन कराओ, मीन्स पॉसिबल केस कितने, ओनली 4 केस. देन नेक्स्ट वन क्या है, डी, और डी के केस में आस्की वैल्यू क्या है, डी मीन्स 3, और 3 का आस्की वैल्यू क्या है, 1 1. तो इस केस में इस लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए मैक्सिमम बिट्स कितने रिक्वायर्ड, ओनली 2 बिट्स. तो इसके लिए बेस्ट सूटेबल साइज क्या रहेगा, ओनली 2 बिट्स. मीन्स किसी भी कैरेक्टर को 2 बिट्स में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है. सेम एज अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप टोटल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया जाए ए बी सी डी, लेकिन मैं इसमें कुछ डिजिट्स भी यूज करना चाहता हूँ, ओनली 4 डिजिट्स, 0 1 2 3. अब इस केस में टोटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में, इसको नेम क्या देंगे, एज अ कैरेक्टर सेट. इस कैरेक्टर सेट में टोटल सिंबल्स कितने हैं, 8 सिंबल्स. फर्स्ट कैरेक्टर का आस्की वैल्यू अगर 0, देन नेक्स्ट का 1 2 3, देन 0 1 2 3 इटसेल्फ क्या है, ऑल्सो कैरेक्टर. तो उनको भी प्रोवाइड क्या करेंगे, आस्की वैल्यू. प्रीवियस केस में जब आपके पास ओनली 4 कैरेक्टर्स थे, देन आपके लिए 2 बिट्स सफिशियंट थे, लेकिन अभी आपके पास कैरेक्टर्स कितने हैं, 8. 8 है, मीन्स 4 को भी स्टोर कराना है, 5 को भी स्टोर कराना है, और 7. 0 1 2 3 4 5 6 7. 0 आस्की वैल्यू के लिए 0 मीन्स 1 बिट सफिशियंट है. 1 का बाइनरी क्या था, 1. 2 का बाइनरी क्या था, 1 0. 3 के केस में 1 1. 4 स्टोर कराने के लिए बाइनरी नंबर क्या हुआ, 1 0 0. 5 के केस में 1 0 1. 7 6 1 1 0 7 1 1 1. इस प्रीवियस केस में आपके लिए ओनली 2 बिट सफिशियंट थे, लेकिन अब आपके लिए 2 बिट्स में सभी कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि सभी केस में रिक्वायर्ड कितने बिट्स हैं, 3. तो इस केस में जब आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर नंबर ऑफ न्यू कैरेक्टर्स ऐड कराते हैं, न्यू कैरेक्टर्स इंक्रीज करोगे, देन कहीं ना कहीं कैरेक्टर का साइज भी चेंज होने के चांसेस है. सेम केस अप्लाई हुआ इन केस ऑफ जावा. वन मोर एग्जांपल्स, सपोज दैट आपसे अगर इंटरव्यू में इस टाइप का कोई क्वेश्चन कर लिया जाता है, अगर आपने अपना खुद का कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया है और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टोटल 27 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर और यूनिक सिंबल्स अवेलेबल हैं, देन व्हाट शुड बी द साइज ऑफ कैरेक्टर. अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टोटल सिंबल्स कितने यूज रहे हैं, 27, आप श्योर हो इसके साथ फर्स्ट कैरेक्टर का आस्की वैल्यू क्या रहा होगा, 0, तो लास्ट का क्या रहेगा, 26. इस केस में आस्की वैल्यू की पॉसिबल रेंज क्या होगी, दैट वन. इस रेंज के डेटा को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड मैक्सिमम बिट्स कितने होंगे, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 26. तो यहाँ आप सिंपली चेक कर लो कि मैक्सिमम आस्की वैल्यू, इस मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड बिट्स कितने हैं. तो 26 के केस में अगर आप इसका बाइनरी नंबर निकालोगे, बाइनरी नंबर क्या आएगा, इट इज इक्वल टू
16 plus 8 is 24, 24 plus 2 is 26. तो यहाँ 16 के प्लेस पर क्या जाएगा, 1 के प्लेस पर क्या आएगा, 0, देन 1, देन 4 के प्लेस पर 0, 8 के प्लेस पर 1, 16 के प्लेस पर 1. दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 26. तो इस बाइनरी नंबर को स्टोर करने के लिए बिट्स कितने रिक्वायर्ड है, ओनली 5 बिट्स. तो इसके लिए मीन्स परफेक्ट कैरेक्टर साइज क्या हुआ, ओनली 5 बिट इज सफिशियंट. मीन्स अगर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोटल 27 कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं तो इसके लिए बेस्ट साइज क्या रहेगा, 5 बिट्स. क्लियर. सेम एज सी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में बात करें, सी लैंग्वेज सपोर्ट्स एनसी कैरेक्टर सेट, और एनसी कैरेक्टर सेट में टोटल अवेलेबल सिंबल्स क्या यूज किए थे, कैरेक्टर सेट ऑफ एनसी और आस्की कैरेक्टर सेट. आस्की कैरेक्टर सेट के केस में टोटल सिंबल्स क्या थे, अल्फाबेट्स ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 डिजिट्स, सम ऑपरेटर्स प्लस माइनस लाइक दैट, सम स्पेशल सिंबल्स लाइक एट द रेट, डॉलर एंड सो ऑन, अंडरस्कोर, वाइड स्पेस. इस टाइप से टोटल सिंबल्स कितने थे, 256 सिंबल थे. तो इस केस में फर्स्ट कैरेक्टर का आस्की वैल्यू क्या रहा होगा, 0, लास्ट कैरेक्टर का 255. तो इस केस में सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम आस्की वैल्यू क्या पास होता है, 255. और 255 का अगर आप बाइनरी नंबर कैलकुलेट करो तो उसका बाइनरी नंबर क्या आएगा, 8 times 1. क्या आएगा इस केस में, 8 times 1, विच इज नथिंग बट इक्वेलेंट टू 1 बाइट. मीन सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में टोटल 256 डिस्टिंक्ट सिंबल्स अवेलेबल थे. 256 डिस्टिंक्ट सिंबल के रिस्पेक्ट में पॉसिबल आस्की वैल्यूज क्या थे, 0 to 255. इसलिए बेस्ट साइज क्या था, इसके लिए बेस्ट सूटेबल साइज इज नथिंग बट 1 बाइट. 1 बाइट की मीन 1 बाइट के अंदर सभी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल था. लेकिन सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में कहीं भी हिंदी के सिंबल्स हैं क्या, लाइक अर्डू गया और लाइक तेलुगु और तमिल, लाइक दैट नॉट पॉसिबल. मीन्स हिंदी कैरेक्टर सेट एंड सॉरी हिंदी सिंबल्स और हिंदी कैरेक्टर्स आस्की कैरेक्टर सेट का पार्ट नहीं थी. यही रीजन था सी लैंग्वेज के अंदर कभी भी सोर्स कोड में हिंदी के फॉन्ट्स यूज करना पॉसिबल नहीं था. अगर आप सी लैंग्वेज में कोई कोड राइट डाउन करते, लाइक इंटीजर एज इक्वल्स टू 10, इज इट वैलिड और इनवैलिड. सी लैंग्वेज के केस में केस कैसा था, इनवैलिड. मीन्स हिंदी में या किसी अंग्रेजी के अलावा, इंग्लिश के अलावा किसी भी अदर सिंबल में, अदर फॉर्मेट में वेरिएबल डिक्लेरेशन में कोई भी आइडेंटिफायर नेम यूज करना पॉसिबल नहीं था. वेरिएबल नेम मीन्स आइडेंटिफायर, मे बी मेथड नेम और फंक्शन नेम्स. लेकिन जावा के केस में बात करें, जावा सेम कैरेक्टर सपोर्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ जावा ने खुद के कुछ न्यू सिंबल सेट किए. अगर न्यू सिंबल सेट किए इस केस में, देन इसका मतलब क्या, आप सेम कैरेक्टर साइज रहेगा, डिफरेंट. सी लैंग्वेज सपोर्ट एनसी कैरेक्टर सेट, बट जावा सपोर्ट्स यूनिकोड कैरेक्टर सेट. यूनिकोड क्या है इस केस में, स्टैंडर्ड. इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट में टोटल अवेलेबल डिस्टिंक्ट सिंबल्स कितने हैं, 65,536. सी लैंग्वेज या एनसी कैरेक्टर सेट में अवेलेबल सिंबल्स कितने थे, टोटल 256. लेकिन यूनिकोड कैरेक्टर सेट के अकॉर्डिंग टोटल सिंबल्स कितने हैं, 65,536. अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूनिकोड कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस, जैसे ओरेकल की बात करें, ओरेकल भी किसको सपोर्ट करता है, यूनिकोड को. अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूनिकोड कैरेक्टर सेट को सपोर्ट कर रहा था, उसके अंदर टोटल कितने सिंबल्स अवेलेबल हैं, 65,536. तो फर्स्ट सिंबल का आस्की वैल्यू क्या रहा होगा, 0, इसलिए लास्ट सिंबल का आस्की वैल्यू क्या रहा होगा, 65,535. देन इसके इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 65,535. 65,535 का अगर आप बाइनरी नंबर निकालोगे तो बाइनरी वैल्यू क्या आएगा इसका, 16 times 1. क्या आएगा, 16 times 1, विच इज नथिंग बट इक्वेलेंट टू 2 byte. मीन्स अगर आपको इस रेंज का डेटा स्टोर करना, देन आपके लिए स्पेस कितना रिक्वायर्ड, 2 bytes. दैट्स वाई इन जावा कैरेक्टर विल टेक्स 2 bytes. रीजन क्लियर है इस केस में. जावा के केसेस में प्रीमियस एनसी कैरेक्टर के साथ साथ सपोर्ट किया गया था सम न्यू कैरेक्टर्स. मीन्स नॉट ओनली हिंदी, इसके अलावा वर्ल्ड के अंदर जितने भी इंटरनेशनल लैंग्वेज अवेलेबल हैं वो सारे फॉन्ट्स और कैरेक्टर्स जावा के अंदर यूनिकोड कैरेक्टर सेट के अकॉर्डिंग यूज करना पॉसिबल है. क्लियर, दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर सेट इन जावा और साइज प्रॉपर्टी. मीन साइज, अगर साइज इंक्रीज करने की जरूरत पड़े, इसका मेन रीजन क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिंबल. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाउ मेनी वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स. जनरली जब अगर आप कोई वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का डिफाइन कर दो, कैरेक्टर्स के केस में इसका आस्की वैल्यू रेंज क्या था, 0 to 65535.
मीन्स इस रेंज का कोई भी वैल्यू या नंबर असाइन करना पॉसिबल है। अगर आप डायरेक्टली असाइन कर दो 65, इट इज इक्वेलेंट टू कैपिटल ए, मीन्स वैलिड केस। बट सपोज दैट अगर इस केस में असाइन किया ना सी एच इक्वल टू -10, इज इट वैलिड और इनवैलिड? कंपाइल टाइम एरर, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन फाउंड। किस टाइप का वैल्यू फाउंड हो रहा है इस केस में? इंटीजर -10 कंसीडर होगा एज अ प्रिमिटिव इंट, जबकि रिक्वायर्ड टाइप क्या है आपके पास? कैर। क्लियर? मीन्स जावा के केस में कैरेक्टर्स में पॉजिटिव नंबर इस रेंज में असाइन करना पॉसिबल, लेकिन कभी भी निगेटिव नंबर असाइन करना पॉसिबल नहीं हुआ। नेक्स्ट वन, कैरेक्टर्स में असाइनमेंट करने के टोटल पॉसिबल केस कितने? फर्स्ट केस ऑलरेडी डिस्कस किया था, या तो आपके लिए कोई भी कैरेक्टर सिंगल कोड के फॉर्म में सप्लाई करना पॉसिबल, मे बी स्मॉल ए, कैपिटल ए और एनी सिंबल, नॉट ओनली ए, इट इज वैलिड। या तो सिंगल कोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे और डायरेक्टली यूनिकोड वैल्यू, जैसे मैंने इस केस में असाइन किया 97, इट इज ऑल्सो, मीन्स दोनों ही डिक्लेरेशन कैसे हैं? सेम। थर्ड पॉसिबल वे क्या आपके पास? इन द फॉर्म ऑफ यूनिकोड। जावा के केस में यूनिकोड कैरेक्टर जस्ट स्टार्ट किससे होंगे? स्लैश यू। कैरेक्टर्स के केस में बात करें जावा के अंदर कैरेक्टर का साइज क्या है? 2 bytes। 2 bytes में बिट्स कितने होंगे? 16 bits, 8 bit plus 8 bit, टोटल बिट्स कितने? 16। प्लस अगर इनको 4 bits में कन्वर्ट करें, 4 bits के केस में, मीन जैसे जिस टाइप से 8 byte के कॉम्बिनेशन को नेम क्या देते हैं, 8 bits के कॉम्बिनेशन को नेम क्या दोगे? 1 byte। सिमिलरली 4 bit के कॉम्बिनेशन को नेम दिया जाता है एज अ निबल विद रिस्पेक्ट टू हेक्साडेसिमल नंबर्स और हेक्साडेसिमल डिजिट्स। मीन्स बाइनरी के 4 bits से हेक्साडेसिमल के कितने डिजिट्स रिप्रेजेंट होंगे? ओनली 1। इन 4 bit के कॉम्बिनेशन को नेम दोगे एज अ निबल। 1 nibble इज इक्वेलेंट टू सिंगल हेक्साडेसिमल वैल्यू। मीन्स अगर आप यूनिकोड फॉर्मेट में कोई वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हो, यूनिकोड के केस में यूनिकोड वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट होगा विद स्लैश यू, देन उसके बाद टोटल हेक्साडेसिमल डिजिट्स कितने पॉसिबल है? मीन्स 4 bits plus 4 bits plus 4 bits, टोटल कितने हुए? 1, 2, 3, 4। एग्जैक्टली याद रखना, इन केस ऑफ यूनिकोड जब भी आप वैल्यू यूनिकोड फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, देन एग्जैक्टली इसके अंदर 4 digits फॉलो करना कंपलसरी है, मैंडेटरी। फॉर एग्जाम्पल यूनिकोड के फॉर्म में अगर आपको ए असाइन करना है, तो ए का आस्की वैल्यू क्या है? 97। और 97 के केस में अगर आप इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करो, मीन्स यूनिकोड वैल्यू इज नथिंग बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल। इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू अगर निकालोगे 97 के केस में, 97 का हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या आएगा? 63। सिंपली 16 से डिवाइड करके निकालना पॉसिबल है। डिवीजन कितनी बार होगा इसका? आई थिंक 6 times, रिमाइंडर 1 आएगा। क्या आएगा इसके इसमें? 61, सॉरी, मीन 6 plus 1 is 61। तो इसके इसमें ऐसा नहीं कि यूनिकोड वैल्यू अगर 61 आया तो आप डायरेक्टली 61 राइट करोगे। अगर 61 है ये केस कैसा होगा? इनवैलिड। मीन्स इसके इसमें यूज करोगे U61, मीन्स लास्ट डिजिट अवेलेबल और सेकेंड लास्ट अवेलेबल। इसके प्रीवियस डिजिट्स आप क्या, मीन्स इस प्लेस पर क्या है 1, इस प्लेस पर क्या है 6, रिमेनिंग प्लेसेस पर एज्यूम कर लो गया 00। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ क्रिएटिंग यूनिकोड वैल्यू और असाइनिंग यूनिकोड वैल्यू। अगर आप इस प्लेस पर डायरेक्टली वैल्यू असाइन करोगे, देन इसका मीनिंग क्या हुआ? एग्जैक्टली सेम एज ए, नॉट अ कैरेक्टर, ओनली ए। अगर आप सेम यूनिकोड वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर दो, लाइक दोनों में डिफरेंस समझना अच्छे से, यू मैंने अभी कोई सिंगल कोड अप्लाई नहीं किया है, देन इस केस में इसका मीनिंग क्या? इट इज इक्वेलेंट टू सी एच इक्वल्स टू स्मॉल ए। अगर आप चाहते हैं कैरेक्टर में डिफरेंट हो, देन इसको सिंगल कोड में एनक्लोज करना कंपलसरी, देन इक्वेलेंट किसके होगा? स्मॉल ए। दिस इज मीन वाइल यूनिकोड। यूनिकोड से रिलेटेड मैं अभी कई सारे एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा जस्ट आपको। नेक्स्ट, सम अदर प्रॉपर्टी। कैरेक्टर्स के केस में वैल्यू असाइन करने के टोटल 3 formats पॉसिबल आपके पास, डायरेक्टली सिंगल कोड्स के फॉर्म में, यूनिकोड वैल्यूज के फॉर्म में और ASCII वैल्यूज के फॉर्म में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं यूज करता हूँ system.out.println, सप्लाई किया मैंने 65, तो इस केस में सिंपली आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 65 itself, क्योंकि सिंपली कंसिडर हो गया जाए इंटीजर नंबर। क्लियर? नेक्स्ट केस, अगर आप चाहते हो किसी भी, अगर आपके पास किसी भी कैरेक्टर का ASCII वैल्यू अवेलेबल है, देन ASCII वैल्यूज के बेसिस पर अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू डिस्प्ले कराना है, देन इस केस में यूज क्या करेंगे?
टाइप कास्टिंग, जैसे सी लैंग्वेज में कैरेक्टर्स को प्रिंट कराने के लिए यूज क्या करते थे, परसेंट सी, लेकिन इस केस में यूज क्या करोगे, टाइप कास्टिंग इंटू कैर। अगर किसी भी इंटीजर को जब कैरेक्टर में टाइप कास्ट करोगे, यानी इस केस में डिस्प्ले क्या होगा, सिम्बॉलिक वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू विदाउट सिंगल कोट, डिस्प्ले क्या हो जाएगा इस केस में, ई। नेक्स्ट वन सिमिलर वे, अगर आप उस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में ए पास कर देते हैं, इस केस में डायरेक्टली क्या डिस्प्ले होगा, ए इटसेल्फ। नंबर पास करो देन नंबर डिस्प्ले होगा, कैरेक्टर पास करो देन कैरेक्टर। अगर नंबर को कैरेक्टर में टाइप कास्ट करोगे देन क्या डिस्प्ले होगा, कैरेक्टर्स। सिमिलर वे में मीन्स फाइनली कॉन्सेप्ट क्या, अगर आस्की वैल्यूज के बेसिस पर कैरेक्टर वैल्यू डिस्प्ले कराना देन इस आस्की वैल्यू को कन्वर्ट किसमें कराएंगे, कैरेक्टर्स में। सिमिलर में सिमिलर केस, अगर आपके पास कैरेक्टर अवेलेबल है लेकिन इसका आस्की वैल्यू प्रिंट कराना, तो आस्की वैल्यू इटसेल्फ क्या हो, इंटीजर, इसलिए टाइप कास्टिंग किसमें कराएंगे, इंटीजर टाइप्स। देन इस केस में रिजल्ट क्या डिस्प्ले हुआ, आस्की वैल्यू ऑफ ए इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर व्हिच इज नथिंग बट 65। तो इस टाइप से कैरेक्टर वैल्यू के बेसिस पर आस्की वैल्यू भी डिस्प्ले करा सकते हो और आस्की वैल्यूज के बेसिस पर कैरेक्टर वैल्यू भी डिस्प्ले कराना पॉसिबल है। जस्ट नेक्स्ट सेशन में मैं आपको शो करूंगा हाउ टू क्रिएटिंग जावा प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ यूनिकोड वैल्यूज। सेम है, जावा प्रोग्राम आपके लिए हिंदी लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर हिंदी इंग्लिश या किसी भी फॉर्मेट में राइट करना पॉसिबल है, वर्ल्ड के किसी भी लैंग्वेज में। जैसे अगर आपको सिंपली टाइपिंग आता है ना, आपके लिए डायरेक्टली राइट डाउन करना पॉसिबल। इसके इसमें छोटा सा केस डिस्कस करूंगा, अगर आप जावा प्रोग्राम नोटपैड का यूज करके क्रिएट कर रहे हो, तो नोटपैड में जब आप फाइल को सेव करते हो तो उसके साथ डिफॉल्ट सेविंग टाइप एनकोडिंग टाइप क्या रहता है, जब आप सेव पर क्लिक करोगे तो जो डायलॉग बॉक्स आता है सेव का, उसके केस में आपको शो क्या होता है, सम सेव बटन। सेव के नीचे आपको विजिबल हुआ एनकोडिंग टाइप, तो बाय डिफॉल्ट एनकोडिंग टाइप क्या रहता है, एनसी। अगर आप चाहते हैं यूनिकोड में सेव करना, देन इसको सिलेक्ट कर सकते हो लिस्ट बॉक्स से एज अ यूनिकोड, क्लियर। देन आपकी जावा सोर्स कोड किसी भी लैंग्वेज में क्रिएट करना पॉसिबल। वन मोर थिंग्स, लेकिन जब इस प्रोग्राम को आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करते हो, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में अगर आपने डिस्प्ले कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन समथिंग टाइप कास्टिंग इंटू कैरेक्टर, टाइप कास्टिंग किसमें कराया मैंने, कैरेक्टर्स के फॉर्म, प्लस इस प्लेस में सप्लाई किया 2000। अगर 2000 को आप कैरेक्टर में टाइप कास्ट करोगे, फर्स्ट वन 2000 वैलिड सिंबल होगा, इनवैलिड, वैलिड होगा, रीजन क्या है, उसका रेंज क्या था, जस्ट 0 to 65535, मीन्स इसके रेंज में आप कोई भी आस्की वैल्यू या यूनिकोड वैल्यू यूज करते हो, देन उससे कोई ना कोई स्पेशल और सेपरेट सिंबल रिप्रेजेंट हो, तो इसके इसमें कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा सिंबल होगा जिसका आस्की वैल्यू 2000 है। तो अगर इसका कैरेक्टर वैल्यू डिस्प्ले कराना, यूज क्या करोगे, कैर, टाइप कास्टिंग इंटू कैर, तो इसके इसमें डिस्प्ले क्या होगा, वो पर्टिकुलर सिंबल डिस्प्ले हो जाएगा जिसका आस्की वैल्यू 2000 है। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एग्जीक्यूट कर दो बाय यूजिंग सीएमडी, लेकिन सीएमडी के केस में 2000 के प्लेस पर, मीन्स अगर आप 255 सीएमडी की बात करें, तो सीएमडी के अंदर 0 से लेकर 255 के रेंज के केस में आप कोई भी नंबर स्टार से डिस्प्ले करा दो, परफेक्टली प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही आप 255 को एक्सीड करोगे, देन उस केस में क्या प्रिंट होगा, इस 255 से बड़ा कोई भी नंबर सप्लाई करो, सभी केस में क्या डिस्प्ले होगा, क्वेश्चन मार्क फॉर एनी आस्की वैल्यू, मीन्स आप कोई भी वैल्यू ट्राई कर लेना, ऑलवेज क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क्स। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी सिंबल का आस्की वैल्यू क्वेश्चन मार्क हो, सॉरी कैरेक्टर वैल्यू क्वेश्चन मार्क हो, नहीं। देन इस केस में मीन्स अगर आप चाहते हैं, इसका मेन रीजन क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट की बात करें तो कमांड प्रॉम्प्ट के केस में आपने देखा किस टाइप का फाइल होता है, exe फाइल, मीन्स ये सॉफ्टवेयर भी इट सेल्फ डेवलप किसमें हुआ है, समथिंग सी और सी प्लस प्लस लाइब्रेरी, और सी और सी प्लस प्लस लाइब्रेरी किस टाइप का कैरेक्टर सेट सपोर्ट करता है, ओनली एनसी कैरेक्टर सेट। सेम है जो कंसोल विंडो रहता है, कंसोल विंडो भी कैसा रहता है, एनसी कंसोल, तो कंसोल विंडो पर भी केवल वही सिंबल डिस्प्ले कराना पॉसिबल है जो एनसी कैरेक्टर सेट का पार्ट है। लेकिन आपको डिस्प्ले क्या कराना है, एनसी और यूनिकोड कैरेक्टर्स, यूनिकोड, देन आपका एडिटर या कंसोल भी कैसा होना चाहिए, यूनिकोड एडिटर। तो इस केस में याद रखना स्पेशली, अगर सेम प्रोग्राम आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करो देन क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। बट सपोज दैट आप किसी आईडी सॉफ्टवेयर का यूज कर दो, लाइक माई इक्लिप्स, नेटबीन्स, लाइक दैट। माई इक्लिप्स और नेटबीन्स के केस में जो एडिटर रहता है, उससे एडिटर का टाइप क्या रहता है, यूनिकोड एडिटर। देन आईडी सॉफ्टवेयर का यूज करके इस प्लेस पर अगर आप 2000 यूज करो, देन इस प्लेस पर वो पर्टिकुलर सिंबल डिस्प्ले होगा जिसका आस्की वैल्यू 2000 हो, मे बी और सम अदर सिंबल, आई हैव नो नॉलेज अबाउट दैट। इन दैट केस मीन्स कोई भी वो पर्टिकुलर सिंबल डिस्प्ले हो जाए जिसका आस्की वैल्यू 2000 होगा, लेकिन ये पॉसिबल किस केस में होगा, ओनली इन केस ऑफ
यूनिकोड एडिटर नॉट अ कंसोल, क्लियर। इसलिए कंसोल में इसको प्रैक्टिकली चेक करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आईडी सॉफ्टवेयर अवेलेबल देन आईडी सॉफ्टवेयर में एनकोडिंग स्टाइल चेंज करोगे या यूनिकोड, देन आपके लिए सिंपली प्रोग्राम रन करना पॉसिबल है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट सेशन में जस्ट डिस्कस करेंगे सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू कैरेक्टर डेटा टाइप्स।